Okay, we continue to put our focus on Maharashtra because the Congress party leaders are upset with the UBT Sena. Sources in Congress inform that state leaders will reach out to the central leadership. Republic sources have informed that there's uncertainty over Uddhav Thackeray's stand. Congress insecure over Uddhav Thackeray. Insecure over Uddhav Thackeray. This is the big scoop that we have got for our viewers. The state Congress leaders stated that they're insecure with Uddhav Thackeray. They believe that the UBT may switch sides if they are not given the CM post. Meanwhile, the state Congress leaders are adamant on the CM post on the basis of the majority of seats. Sources informed that UBT may use pressure politics by threatening to move out of the alliance. Okay, let's go ahead, viewers. We see a rift in the MVA between Congress and UBT. Sena, let's go ahead and play the reactions. हाँ, निश्चित रूप से जो जहां जहां से हमें खबरें आ रही है पूरे महाराष्ट्र से, तो यहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और ये भी बात सच है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी यहाँ उभर कर सामने आने के पूरे यहाँ पर बातें हो रही है और उसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण हलचल आज सब उम्मीदवारों में और लोगों में चल रही है और ऐसे में जरूरी है कि आज यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, कांग्रेस का उसमें वर्चस्व हो और कांग्रेस का नेतृत्व भी इसमें निखर कर सामने आएगा। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलेगी, कांग्रेस का नेतृत्व इसमें दिखने को मिलेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है? सच बात तो ये होती है कि महाविकास आघाड़ी में तीन पार्टियां हैं। तीन पार्टियों में जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, नॉर्मली लार्जेस्ट पार्टी का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है बहुमत के आधार पर, लेकिन हमारे पार्टी में निर्णय जो होता है वो हमारी कांग्रेस के हाई कमांड करती है। लेकिन हमारा कयास ये है कि अगर हमारी पार्टी बड़ी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बनना चाहिए और लोग इंतजार कर रहे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री आए और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। क्या आप अपने सहयोगी दलों को इस बात को समझाने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि हमने पिछले दिनों इश्तिहारों में भी देखा, उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुटुंब प्रमुख की सरकार बनानी है। और अगर एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो वो चाह रहे हैं कि सुप्रिया सुले जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो क्या आप अपने सहयोगी दलों को समझा पाएंगे जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं? देखिए, इसमें समझाने की बातें तो होगी, क्योंकि जब तक के हमारे में सामंजस्य करार नहीं होता तब तक महाविकास आघाड़ी चल भी नहीं सकती है। इसलिए सरकार बनाते वक्त चर्चाएं होती है, चर्चाओं में रुकाव भी होता है, लेकिन साथ में सॉल्यूशन निकाला जाता है और मैं समझता हूँ कि सब लोग उसको उसी ढंग से देखेंगे। जहां तक कुटुंब प्रमुख की जिम्मेदारी है, कुटुंब प्रमुख अच्छी बात है, जो मुख्यमंत्री होता है वो कुटुंब प्रमुख ही होता है और वो सबको लेकर चलने की भूमिका निभाता आता है। इसके पहले भी इसके हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें रास्ता तो निकल कर सामने आएगा। समय बड़ा बलवान होता है और समय जरूर इस पर निर्णय करेगा। नितिन जी, एक अहम बात महाराष्ट्र की राजनीति से जितनी मेरी समझ है, जब 2019 में उद्धव ठाकरे अलग होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ आए, कांग्रेस पार्टी ने उनको सहारा दिया, शरद पवार साहब ने भी उन्हें सहारा दिया, उसके बावजूद भी सहारा के अलावा मुख्यमंत्री तक बनाया, क्या इसमें आपके जो सहयोगी दल है इस वक्त उन्हें समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस की भूमिका को भी स्वीकारी जाए? मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे जी काफी अच्छे नेता है और समझदार भी है, हर बारीकियां समझते हैं और उन्होंने
उस वक्त जब अड़चन का समय था उस समय कांग्रेस बगैर शर्त के उनके साथ आई थी, उन्हें मुख्यमंत्री करके कबूल किया, उनके नेतृत्व में सरकार चली, अच्छी चली सरकार, और कोरोना लॉकडाउन में अच्छा काम भी हुआ। उस समय सड़क पर हमारी महाविकास आघाड़ी के लोग दिख रहे थे, दूसरी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे व्यक्तित्व को हम तो सम्मान तो करते ही है, और जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके जो प्रमुख है, मुखिया है, वो देश के जाने माने राजनेता है, अच्छे बड़े व्यक्तित्व के धनी है, तो उनके बारे में भी हमारे दिल में अच्छी राय है, सम्मान है, और वो सम्मान दोनों का रखकर ही बात होगी। महाविकास आघाड़ी हमको भी चलानी है, हमको महाविकास आघाड़ी को जोड़कर रखना है, संगठित रहकर काम करना है, और मैं समझता हूँ कि रास्ता जरूर निकलेगा।